हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मटन आलू का शोरबा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और आप देख ही सकते हैं दिखने में भी कितना खूबसूरत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 किलो मटन विथ फैट के साथ। इसको फैट के साथ बनाइए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। साथ ही में हमको ले लेना है बड़े 1 प्याज चॉप्ड किया हुआ, 4 हरी मिर्ची, और उसी के साथ ले लेना है 2 टमाटर को चॉप्ड किया हुआ, और 4 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। लेना है हमको फ्राई किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैं 4 प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है, और उसी के साथ लेना है हमको स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में ले लेना है हमको हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। अब मैंने फ्राई किया हुआ अनियन का जो तेल था उसको ले लिया है, और उसी के साथ ऐड कर रही हूँ प्याज। अब प्याज को आपको थोड़ा सा कलर चेंजिंग होने तक फ्राई कर लेना है, जब तक ये थोड़ा सा सुनहरा गोल्डन ना हो जाए तब तक आपको इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तब इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। मटन को बहुत ही अच्छी तरह से पहले धो लें और फिर उसका पानी निकाल के रखें। मटन को डाल के आपको इसको लगातार प्याज के साथ भून लेना है बहुत ही अच्छी तरह से, जब तक कि मटन की कलर ना थोड़ा चेंज हो जाए तब तक आपको इसको भूनना है। ये देख सकते हैं मटन का कलर चेंज हो चुका है, भूनते हुए हमको 2 मिनट हो चुका है। तो अब इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं नमक। नमक यहाँ पर मैं 1 बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करें। नमक को डाल के इसको और थोड़ा सा भुनाई कर लेना है, क्योंकि ये मैं कढ़ाई में बना रही हूँ मटन को, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले कर इसको बना लेना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो नमक डालने के बाद इसको अभी आपको ढक देना है, और ढक के 1 मिनट तक ऐसा ही छोड़ देना है। ये देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है, अब मटन से थोड़ा थोड़ा पानी निकालना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको इसी तरह और भी 1 मिनट तक ऐसा ही इसको फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं भुनाई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अभी इसमें आपको ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसी के साथ आपको डाल देना है जो बाकी पाउडर मसाला था, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची आप अपने तीखा के अनुसार इसमें ऐड करें। तो ये सब डाल के आपको फिर से इसको भुनना है, और इसको लगातार चलाते हुए आपको लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेना है बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि इसका मसाला जो है सब मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची, जो मैं थोड़ा तीखा के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हरी मिर्ची को मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको ढक देना है, ढक के 2 मिनट तक ऐसा ही छोड़ देना है। ये देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है। अभी इसको थोड़ा थोड़ा इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है, और मसाला भी हमारा भून चुका है। इसमें से जो तेल था इसका वो भी निकालना चालू हो चुका है। तो आपको इसको ऐसा ही लगातार और भी भूनना है 10 मिनट तक। तो इसको फिर से मैं ढक रही हूँ, और 10 मिनट तक ऐसा ही लो मीडियम फ्लेम पर मैं छोड़ दूँगी। तो ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है हमारा, और इसमें से एक्स्ट्रा जो तेल था वो भी निकालना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें आपको ऐड कर देना है फ्राई किया हुआ आलू। आलू को मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी लगा के फ्राई कर लिया था, ये आलू को इसमें ऐड कर देना है। और उसी के साथ हमको ऐड कर देना है इसमें टमाटर। मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप्ड करके रखा था, अब उसको आपको ऐड कर देना है इसमें, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो अगर आप वीडियो आज मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हर एक वीडियो की रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।
तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो आलू और टमाटर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके वजह से मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको ढक के मैं अभी 10 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दूँगी इसको। मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है और इसमें से जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकलना स्टार्ट हो चुका है और आलू भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पुदीना और जो फ्लेवर के लिए 4 मिर्ची मैंने रखा था उसको। पुदीना डालने से इसका खुशबू और भी बेहतरीन हो जाता है। और इसी के साथ डाल देना है जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था उसको। ये सब डाल के आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मटन हमारा लगभग तैयार हो चुका है तो अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 2.5 से 3 कप। अगर आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड करें। ये मटर आलू का शोरबा है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ये देख सकते हैं मैं 3.5 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग 750 ml के करीब। तब इसको अभी आपको ढक देना है और इसी वक्त आप नमक को चेक कर सकते हैं। नमक अगर कम है तो आप इसमें ऐड करें और ढक के इसको उबाल आने तक इंतज़ार करें। ये देख सकते हैं मटन आलू का शोरबा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसको सर्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको ये मटन आलू का शोरबे की रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप ये मटन आलू का शोरबा बनाने का तरीका कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करें और कौन सा रेसिपी आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर आप कमेंट करें। तो मिलेंगे ऐसे ही नई नई और अलग अलग तरीके की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।